चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा अरे राणा रिजवान अदमत साहब अबे क्यों मर रहा है क्यों बावला हो रहा है सैयद नबी लवन इकबाल हुसैन बन मिल जाएंगे पैसे अरे यार भाई तू मोबाइल तो भिजवा दे यार अबे छोटी मोटी रकम का क्या है मिल जाएंगे हाँ हाँ भिजवा दूंगा मोबाइल भिजवा शाबाश ओके बाय यार महमूद साहब आप चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे अरे नहीं यार नबील मैं छुप के तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा अरे मैं तो लॉन के दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ वो जो आप लॉन के दरमियान में खड़े हुए सुन रहे थे वो मेरी बातें हाँ जी यार नबील अब मैंने सुना है कि खूबसूरत के पापा ने इस बार तुम्हें अलग से पैसे भेजे अरे मैं उनका दामाद हूँ भाई वन एंड ओनली अगर वो मुझे पैसे नहीं भेजेंगे तो मैं उनकी बेटी को उनके घर वापस नहीं भेज दूंगा नबील मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी बस इतनी सी बात बोले बोले कितने पैसे चाहिए आपको वो 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए बोले 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 सिर्फ 10,000 10,000 यार महमूद साहब बंदा अपना मुंह देख के पैसे मांगता है अरे मेरा मुंह माशाल्लाह इतना बड़ा है उस हिसाब से तो मैंने बहुत कम मांगे हैं यार महमूद साहब आई एम रियली सॉरी यार मैं इतनी बड़ी रकम आपको उधार नहीं दे सकता और वैसे भी आपने इतने पैसों का करना क्या है क्या खर्चा है आपका अरे बाल तक तो कटवाते नहीं है आप कान के बाल आपके 6-6 इंच के हो रहे हैं यार सस्ता रेजर लेते हैं 2-2 महीने इस्तेमाल करते हैं यार 10,000 का क्या करेंगे आप यार नबील मैंने किसी से ना उधार लिए थे उसे वापस करने अच्छा वेरी गुड महमूद साहब यानी एक उधार वापस करने के लिए दूसरा उधार पकड़ रहे हैं अरे तुम मुझे कौन सा उधार दोगे भाई तुम तो मेरे अपने बेटे हो महमूद साहब आपकी इसी घटिया सोच की वजह से मेरी आपसे नहीं बनती आपने ना मेरा बहुत मूड खराब कर दिया अपना बड़ा मुंह पीछे करें मुझे मुझे रिलैक्स होना है प्रिंस चार्ल्स कहीं का निहायती खसीस है नैयर इजाज की तरह 2015 में भी मिस्ड कॉल है माँ जी ये क्या कर रही हैं आप मैं रबड़ी खा रही हूँ ये रबड़ी नहीं आइसक्रीम है होइशा बशे और ये मैंने चांदी के लिए मंगवाई थी हाँ तो मैं बचा दूंगी ना उसके लिए मेरी बेटी ये झूठी आइसक्रीम नहीं खाएगी ना आइसक्रीम कौन सा झूठ बोलती है माँ जी आपको जरा ख्याल नहीं है और मैंने ऐसा क्या कर दिया है आप मेरी बेटी की आइसक्रीम खा रही है आइसक्रीम ही खाई है कौन सा तेरी बच्ची खा गई जो इतना शोर मचा रही है तू क्या हो गया माँ जी क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग देखो अपनी माँ को नबील वो क्या देखूं जानू माँ जी को बचपन से देख रहा हूँ अब माँ जी में देखने वाला रह गया यार नबील माँ जी ने चांदी की आइसक्रीम खा ली है यार क्या हाँ पुत्र बड़े मजे की है अरे एक तो हमें अपने घर में रखकर पाल दिया ऊपर से ये मेरी बेटी के निवाले तक छीन रही है चुप तमीज से बात कर सोहेल समझा अपनी बीवी को वो क्या समझाऊं माँ जी खूबसूरत ठीक कह रही है यार आपने और महमूद साहब ने अरे ऐसा क्या कर दिया अब हमने देखें जी ये दोनों मिलके ना मुझे जलील कर रहे हैं अरे दफा करो इन दोनों को अभी ये घटिया आदमी थोड़ी देर पहले मेरी बेइज्जती कर रहा था और अब इसकी बीवी तुम्हें जलील कर रही है हाँ। चलो मोमो अब हम एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे तो क्या हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हम यहाँ किचन से जा रहे हैं कमरे में चलिए आओ 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 ओहो आइसक्रीम छोड़ी इन्होंने थोड़ी सी ओ जानू वैसे खूबसूरत को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी है ना और क्या एक आइसक्रीम के पीछे उसने तुम्हें इतना जलील कर दिया उसके बाप ने उसे जरा भी वो नहीं सिखाई वो क्या वही जो बहुएं अपनी सास को देती हैं गालियाँ गालियाँ नहीं वो अरे वो क्या ओ वो जो होती है ना वो अरे छोड़ो यार वैसे आज खूबसूरत ने बदतमीजी की हद कर दी है हाँ हाँ हद नहीं नहीं तमीज उसके बाप ने उसे जरा भी तमीज नहीं सिखाई है चलो खूबसूरत तो बहू है लेकिन तुम्हारे अपने बेटे ने क्या किया है वो तो तुम्हारा अपना खून था ना क्या किया उसने अरे बुझाए अपनी बीवी को चुप करवाने के उसके मुंह पे दो रैप्टे लगाने के उल्टा उसने तुम्हारी ही बेइज्जती कर दी है? तुमने इस दिन के लिए उसे पाला था मोमो कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी बीवी का गुलाम बन जाए और करो बेटे की पसंद की शादी अब बुक तो आप रो क्यों नहीं है अरे तेरे बड़े भाई ने तेरी माँ की बेइज्जती की है क्या
नबील की ये जरूरत मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं रुक जा लो ए। नहीं माँ जी, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। देखा मनवर, ये मेरा बच्चा लोया अपनी माँ की बिस्ती के गिन गिन के बदले लेगा। अरे शादी के बाद ये भी नबील जैसा ही हो जाएगा मोमो। ऐसा कभी नहीं होगा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने लोहे की शादी अपनी पसंद से इसी महीने कराऊंगी। चलो जानू, दो चार शाबाश सेल्फी हो जाए। आओ। खैर मुझे बाल्टी करना। आ कर कर। बाल्टी को क्या? आओ आओ। ये एक इधर से जानू। थैंक यू चारू। ओए क्या हो रहा है यहाँ? ओ माँ जी क्या हो गया यार? कभी तो हम दोनों मियाँ बीवी को सुकून से थोड़ी देर बैठने दिया करें अकेले। चुप है, बेशरम, बेहया, बेगैरत, तू अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी का हो गया। माँ जी अगर आपको इतना ही प्यारा था अपना बेटा तो शादी क्यों की मुझसे? मुझसे बहुत बड़ी वो हो गई थी। वो क्या? वही जो मैं भूल गई थी। हाँ हाँ भूल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अरे तबाह करो मोमाई ने, कोई जरूरत नहीं है इनके मुंह लगने की। छोड़ दे मेरा हाथ मसूद, कान खोल के सुन लो तुम लोग। क्या है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने लोहे की शादी अपनी पसंद से करूंगी, अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। हाँ तो कर लीजिएगा, अभी 20-25 साल पड़े हैं ना उसकी शादी में, तब तक पता नहीं आप जिंदा हो या ना हो। और मैं बड़ी चलाक हूँ बच्चू, इसलिए मैंने फैसला किया मैं अपने लोहे की शादी अभी करूंगी। क्या? हाँ। ओ खुदा को माने माँ जी, सोना भी बहुत छोटा है। हाँ तो छोटी उम्र की बहू लाऊंगी ना, ताकि वो मुझसे दब के रहे, तेरी बीवी की तरह बदतमीजी ना करे मुझसे। जी आप होश में तो है? बकवास बंद कर, तुझे तो मेरी छोटी बहू आके बताएगी। चलें जी शादी की तैयारियां शुरू करें। वो जो हमने शादी की शुरू करनी है वो तैयारियां हैं। हाँ जी। अच्छा जी, नबील कमरे में आओ जी। ओके जानू। माजी का दिमाग खराब हो गया क्या नबील? वो सोना की शादी कराना चाहती हैं। हाँ जानू देखो, ये भी कोई बात है, अगर वो तुमसे बेजार है और दूसरी बहू लाना चाहती है छोटी वाली, तो मेरी दूसरी शादी करा दे यार। शट अप नबील। ओके जानू। यार पहले कम बेइज्जती होती है मेरी उनकी वजह से, जो अब पूरी दुनिया में मेरा मजाक उड़वाएंगी। ओ यार माँ जी ने गुस्से में कह दिया है जानू, सोने को किसने बेटी देनी है इस उम्र में यार। नबील ये पाकिस्तान है, यहाँ लड़कियों को पैदा होते ही ब्याह देते हैं, रिमेम्बर? हाँ जानू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कान खोल कर सुन लो नबील, अगर माँ जी ने सोना की शादी कराने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगी। क्या? हाँ। वो जानू मुझे क्यों निकालोगी, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम माँ जी के बेटे हो। मैं? खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? जाओ माँ जी को रोको जाकर। ओके जानू, मैं रोकता हूँ जानू, तुम फिक्र मत करो, मैं रोकता हूँ, बिल्कुल रोकूंगा। ये देखिए हमारे सोने के लिए सही रहेगी ना। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये 6 या 8 महीने की बच्ची है। हाँ तो मियाँ बीवी 6 या 7 साल का फर्क होना चाहिए ना। नहीं भाई नहीं, सोने के लिए उसके बराबर की लड़की देखो भाई। अच्छा ठीक है। ये वाली देखो मोमो। नहीं नहीं, इसके दांत टूटे हुए। अरे वो तो आ जाएंगे भाई, दूध के दांत है। क्यों उसके अपने नहीं है? ओ यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे नबील सोने के लिए लड़की देख रहे हैं। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, आप माँ जी को समझाएं, आप उनके साथ मिल गए। खबरदार जो तूने मेरे लोहे की शादी में वो अटकाने की कोशिश की हो। वो क्या? वो जो सड़क बनाते हुए डालते हैं ना, तारकोल। हाँ खबरदार जो तूने मेरे लोहे की शादी में तारकोल अटकाने की कोशिश की हो। ओ माँ जी बच्चों जैसी बातें मत करे, अगर आपने सोने की शादी कराने की कोशिश भी की ना, तो खूबसूरत हम सबको घर से निकाल देगी। क्या? हाँ। ओए मुझे परवाह नहीं है, मेरे लोहे की दुल्हन आके ना उसका दिमाग ठीक कर देगी। वो जो सोने की दुल्हन आके उसका ठीक करेगी, वो खूबसूरत का दिमाग होगा। हाँ जी। अच्छा वश। माँ जी माँ जी। आ मेरा पुत्र, मेरी आँख का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, आ जा। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? पुत्र मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ। क्यों? अरे तुम्हारी शादी जो करनी है सोने। यार मैं मुझसे मैं अपनी मर्जी से शादी करूँगा। तेरी दुल्हन ना मेरी पसंद की होगी, खबरदार जो कहीं आँख मटका करने की कोशिश की हो। क्या? हाँ मेरा पुत्र कितना कमजोर हो गया। आ मैं तुझे दूध जलेबी खिलाऊं। हटे जी हटे, आ मेरा पुत्र, आ जा। हाँ यार इसमें शायद कोई लड़कियों की ही तस्वीर हो। अरे मोमो
लाइटें ऑफ करो ना, सोने दो यार। थोड़ी देर सब्र करें, अभी मैं काम कर रही हूँ। अरे तुम इतनी रात को कर क्या रही हो मोमो? मैं अपने पुत्र की दुल्हन के लिए ना जोड़ा निकाल रही हूँ।